हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मिला ही वो उठ गया। ये देखो कब उठा था इवो। मम्मा इवो, मम्मा मम्मा इवो चे मम्मा। अब नहीं बोलेगी, जब मन करता तो सब कुछ बोलेगी और जब मन नहीं करता तो कुछ नहीं बोलेगी। देख कितना शरीफ बच्चा लेट रहा है। इवो मम्मा मम्मा। गंदा बच्चा ये गंदा। कल पर मत जाना इसकी, फिर शैतानियाँ बहुत बड़ी बड़ी है इसकी। तो गाइस ये साल सुबह साढ़े पाँच बजे तो ही उठ जाती है। देखो हंसरी हंसरी 5:30 तो बैठो उठ जाते, 4 बजे भी उठ जाए तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक ऐसे शर्मा रही है, इतनी शर्मा रही देख के जैसे कैमरा पता नहीं क्या ही है। देखो नीला मीता तो क्या, बस अभी इसको उठा के कह रही इस बेचारे को नीचे पकड़ा के ये अपनी गाड़ी चलाएगी, मैं अपना काम करूंगी, फिर पूजा पाठ करेंगे ना। तो उसको खांसी हो रखी है। चलो गई मिलते अभी थोड़ी देर में। नौटंकी शैतान उठी गई, मैंने नहा के आ गई, पूजा भी होगी, ठीक है, चाय वाय बना ली अपनी, अभी वो नीचे ही है दादी पास। और पता है मेरे को ना अभी याद आया जस्ट कि अरे आज 23 सितंबर है। मैं इतने दिन से सोच रही थी ना राधाअष्टमी 23 सितंबर को है, तो भी याद आया कि अरे जैसे ही फ़ोन उठाए ना देखा अभी फिर से चाय पीने बैठी तो फिर याद आया आज तो राधाअष्टमी है। यार मन तो है अच्छे से सेलिब्रेट करने का, टचूट करूँगी अभी शाम को, अच्छे से करेंगे। और क्या, बस अभी चाय पी लूँ और आप सबको राधाअष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। बस सबकी लाइफ में राधा रानी कृपा बना के रखे, सब हंसी खुशी रहे, सब अब सबकी लाइफ स्मूथ चलती रहे, सबसे बड़ी बात है, और सब बहुत खुश रहे अपनी लाइफ में बस। और अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो तो उसे लड़ने की हिम्मत दें, बस यही है। अब जल्दी से चाय ख़त्म कर लूँ फिर सोचती क्या क्या करना है। शाम को सोचूंगी कि कुछ भजन वजन ऐसा करेंगे, ठीक, और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस बार हमने जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं की थी, तो आज राधाअष्टमी है तो वो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मम्मी को तो पता भी नहीं होगा, जाके बताऊंगी। जल्दी से पहले चाय ख़त्म कर लूँ इससे पहले कि ठंडी हो जाए। गाइस ये देखो इतने सारे क्या कहते हैं एक कट्टा ना सब पल सीने के लिए कर रहे हैं हम। देखो और हमारी हालत देखिए, अभी इतनी सारी मेहनत कर ली अब सच में आज तंडूदी के बाल काट का मजा इतने चौके गए। अब देखो हालत देखो कैसी हो रही, नहा के ना फिर अब इन कट्टा उट्टा में लगे, मौसम हो रहा बारिश जैसा, अब फिर कहाँ फिर से गंदे हो गए हम तो। फिर सीढ़ी चढ़नी इतना मुश्किल काम लगे बहुत ज़्यादा। शाम को मनाएंगे राधाअष्टमी हम। बनेगा तनु देख बाल कटे खूब सारे तो भाई शाम को मनाएंगे हम राधाअष्टमी। शक्ल देखो मेरी कैसी हो रही है, कम करके इन्हें ज्यादा कम कर लिया कुछ। चलो मिलेंगे थोड़ी देर में, पर कोई ऐसा करके नहीं पते है मुझे बस पते अब बना रहे हैं शाम का खाना और अब बनाएंगे सब्जी पूरी और खीर, फिर जल्दी जल्दी काम खत्म करके उसके बाद पूजा करेंगे। मतलब पंडित तो फोटो भेज दिए हैं, है उसके पास मतलब केक चेक करती हूँ मैं फिर से फोटो एक बार तो चेक कर लूँ क्या फोन काट के। सो गाइस हम देखो तैयार हो के आ गए हैं, ठीक। तो अभी हम ना इसलिए तैयार हो के आए क्योंकि ना फिर खाना बनाना है हमें, खाना बना के और फिर मतलब वही टाइम हो जाएगा, खाना वाना बनाएंगे पूजा करेंगे
फिर वही टाइम हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने सोचा फिर कपड़े चेंज करने का टाइम तो मिलेगा नहीं, तो इससे बढ़िया है हम कपड़े वपड़े चेंज करके तभी खाने में लगे। तो अब मैं खाना बना रही हूँ राधा जी के लिए, भोग मतलब भोग के लिए खाना बना रही हूँ, और राधा जी का केक मंगा लिए, उनके कपड़े भी मंगाए। याद ही नहीं रहा था कि राधाष्टमी, सुबह सुबह याद आया जब फ़ोन लेके बैठी थी, तो फिर एक दो स्टेटस देखे तो पता चला राधाष्टमी है, जबकि काफ़ी टाइम से याद था कि 23 तारीख की राधाष्टमी है। तो इस बार जन्माष्टमी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं मनाई थी, तो इसलिए सोचा कि राधाष्टमी अच्छे से मना लेते हैं। राधा जी कान्हा जी बात तो एक ही है, और बस यही है कि हम सब पर कृपा बनाए रखे राधा रानी अपनी, सारे व्यूअर्स पर, सारी फैमिली पर, ठीक है। और अभी बस यार जल्दी से खाना बना लूँ, फिर मिलेंगे। और गाइस हमारी राधा रानी तैयार हो गई, देखो राधा रानी के हर कपड़े लूज आ, सब मतलब कोई भी कपड़े फिट आई नहीं पाते हैं। एक बार को कान्हा जी हमारे फिट आ जा, राधा रानी हमारी हमेशा लूज रहे हमारी राधा रानी के कपड़े। ये वाली चूड़ी दूसरे हाथ में पहना क्योंकि राधा उसी के कपड़े की बांसुरी बांसुरी हाँ राधा की। अच्छा, तो है हाँ। अभी दिखाएंगे गाइस हमारी राधा रानी तैयार हो रही है। मुझे पता ही नहीं तुन्नी कहाँ है यार बेटू, देखो ही चलने लग गई है, तो अभी सब्जी के कुछ जावे। नाम बता का एक मैं मिलवा दूँगी राधा जी का भोग बनना, राधा जी और खाना जी दोनों का। कितने गंदे बच्चे हमारे, तो ठीक है सब बोले, दावत है, दावत में आए हम, किधर बुलाए। तो सही आपने कॉम कॉम एक और काम होगा, चंचल बुला ले, चंचल मेरा। ए? नो नो नो। सो गाइस मतलब पूजा पाठ होगी और भोग वोग भी लगा लिया, मतलब खाना पीना सब हो गया, हम लोगों का भी हो गया, और कान्हा जी राधा जी को भी खिला दिया, सब हो गया। अब बस वेट कर रहे हैं, सब आएंगे केक कटिंग करेंगे, उसके बाद केक कट करने के बाद फिर भजन वजन करवाएंगे, बस। तो सबका वेट कर रहे हैं, सब आ जाए फिर केक कट करेंगे, क्योंकि राधा जी कान्हा जी के में तो ऐसा होता था कि जब हम कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो 12 बजे केक कट करते हैं, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं है, अब हम पहले केक कट करेंगे फिर भजन करेंगे, मतलब उसके बाद भजन करेंगे। और खाना पीना सबका हो गया, राधा जी का, कान्हा जी का, हम सबका, सबका हो गया खाना पीना, तो अभी सब आ जाए फिर मिलते एक बारी। इवू सो गया, बहुत शैतान है भैया, ऐसे ऐसे करके रोटी खा रही है जैसे तन्नू दी खा रही है सब्जी में लगा कर, बिल्कुल वैसे ही खा रही है, बहुत शैतान लड़के। सो गई, पर जैसे ही भजन होंगे ना तो उठ जाएगी। अभी सब आ जाए फिर मिलते हैं गाइस। आया
राधव तो साइड है ग्रीन में ले रही ना। मम्मी मन्नू इबु ले ले इबु मो पे रुकेगी नो ले केक खवा दे बेटी केक खिला दे खिला दे केक आज केक खिला दे इधर मम्मी खिला दे आ जाता सो गाइज बर्थडे सेलिब्रेट हो गया सब गए और सब ने केक खा लिया हमने नौकाया हमारा केक यू रखा चेटी नौना। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइयो अब मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ सब के लिए सब ठीक ठाक रहो हैप्पी जन्माष्टमी सॉरी हैप्पी राधाष्टमी कोई बात ना आज मेरे पति ना गाइस मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय सब ठीक ठाक रहो